हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नो शुगर किचन। सो गाइज, मैं हूं जीत और हमारे इस चैनल पर हम बहुत सारी नो शुगर रेसिपीज लेकर आते हैं ताकि आप बिना टेंशन के अपनी सारी फेवरेट मिठाइयां एंजॉय कर सकें। तो आज है हमारे नवरात्रे के फास्टिंग की तीसरी रेसिपी और आज हम बना रहे हैं राजगीरा की चिक्की। तो राजगीरा कई जगह पे चौलाई के नाम से भी जानी जाती है और इसे रामदाना भी हम बोलते हैं और ये एक बहुत ही वंडरफुल ग्रेन है। इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और ये फाइबर रिच है, ऊपर से ग्लूटेन फ्री है, तो ये बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशन से भरपूर एक ग्रेन है। और पहले के जो किसान होते थे और जो गरीब लोग होते थे वो इस ग्रेन का यूज़ करते थे इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से, और ये इसकी इतनी अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की वजह से ही इसे रामदाना भी बोलते थे और राजगीरा भी बोलते थे। राज मतलब रॉयल और रामदाना मतलब भगवान का इसे दान मानते थे, तो इसी वजह से इसका नाम भी रामदाना और राजगीरा इन्होंने रखा था। और साथ ही इसको इंग्लिश में बोलते हैं एमरंथ, और अगर एमरंथ आप देखेंगे तो ये जो वर्ड है ये संस्कृत से निकला हुआ है और संस्कृत में इसका जो मीनिंग है वो है डेथलेस। तो मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप इसको किसी भी नाम से जानते हो, घुमा फिरा के इसका मतलब एक ही है। तो ये बहुत ही वंडरफुल ग्रेन है और स्पेशली जब फास्टिंग के टाइम पे हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है तब तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो आज हम इसकी चिक्की बनाने वाले हैं। वैसे पहले मैं इसके लड्डू बनाने वाले था लेकिन मैंने सोचा इतना भी मुश्किल क्यों करना जब मैं इसको इतना आसान हमने रेसिपी बनाई है, तो लड्डू बनाने में भी थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो इसलिए हमने सोचा कि इसकी चिक्की बना देते हैं। बिल्कुल टेंशन ही ख़त्म, बहुत सिंपल रेसिपी है और बहुत इजीली बन जाती है, और सबसे अच्छी बात कि सिर्फ 5 मिनट का काम है आपको इसकी चिक्की बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये चिक्की की रेसिपी, और सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए। तो चिक्की बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑब्वियसली राजगीरा, और यहाँ पे जो मैंने राजगीरा लिया है ये है फुलाया हुआ। मार्केट में ये राई के बीज की तरह है, बिना फुलाया हुआ भी मिलता है, और अगर आप उस फॉर्म में इसको लेके आते हो तो आप जैसे पॉपकॉर्न फुलाते हैं उसी तरह से आपने इसको कढ़ाई में थोड़ा हल्की आँच में भूनना है और इसी तरह से फूल के बन जाएगा। तो ये राजगीरा यहाँ पे मैंने लिया है 5 कप और ये होता है लगभग 100 ग्राम के आसपास। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिया है पीनट्स और आमंड्स, तो इन दोनों का भी एक अच्छा क्रंची टेक्सचर रहेगा जो हमारी चिक्की रहेगी उसके अंदर। तो ये रोस्टेड यहाँ पे पीनट्स लिए हैं और थोड़े से मैंने यहाँ पे आमंड चॉप करके लिए हुए हैं। इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी आपको पसंद है उतनी ले सकते हैं। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्टीविया। ये है मैजिक लीफ का परफेक्ट स्वीट्स। अब परफेक्ट स्वीट्स अभी तक आपको पता चल ही गया होगा, ये हमको बाइंडिंग देता है, तो लड्डू या चिक्की कुछ भी बनाना हो आपको तो उसके लिए आपको बाइंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें हमने मैजिक लीफ का परफेक्ट स्वीट्स वाला ब्लेंड यूज़ किया है। तो शुरू करते हैं चिक्की बनाना। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत ईजी रेसिपी है। तो सबसे पहले आपने एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई में हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप पानी, और पानी के साथ साथ यहाँ पर हम डाल देंगे मैजिक लीफ स्टीविया स्वीटनर, और इन दोनों को पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, और इसके बाद अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे और जो हमारा स्टीविया स्वीटनर है इसको हम मेल्ट करेंगे, गर्म करेंगे। सो ये देखिए हमारा स्टीविया का स्वीटनर जो था ये मेल्ट हो गया है और ये हमारा जो सिरप है ये बॉयल होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें हमने सारे इन्ग्रीडियंट्स डाल देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पीनट में डाल दे रहा हूँ, साथ में मैंने यहाँ पर जो आमंड्स किए हैं वो भी डाल दे रहा हूँ, और इसी के साथ में मैं डाल दूंगा यहाँ पे राजगीरा। बस अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे हमने फ्लेम कर देनी है बंद, और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए हम इसको डालेंगे केक टिन में सेट करने के लिए। तो बस अब केक टिन में इसको हमने सेट कर लेना है, और अगर आप लड्डू बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज से आप इसको लड्डू के शेप में भी रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ये सेट करने के लिए मोल्ड में रख दिया है, अब जैसे ही ये ठंडा होगा ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और चिक्की के फॉर्म में आ जाएगा। सो गाइज, ये हमारी चिक्की बिल्कुल रेडी है, तो बस अब हमने इसको काटना है और निकाल के सर्व करना है। तो चलिए फटाफट से इसको हम काट लेते हैं।
वैसे तो इस रेसिपी में कुछ खास है नहीं ध्यान रखने वाला, बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन फिर भी एक चीज़ का आपने इसमें ध्यान रखना है, जब आप स्टीविया का सिरप बना रहे हो तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि जो हमने 1/4 कप पानी डाला है वो रहना चाहिए उसमें, तभी इसका जो टेक्स्चर है वो सही आएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हार्ड इसकी जो चिक्कियाँ हैं वो हो जाएंगी। तो इसी चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बाकी आपकी जो चिक्की है बहुत आराम से बन जाएगी। सो गाइस, स्टीविया को लेके मुझे कुछ लोगों के फीडबैक आए थे कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने पहले जैसे बताया था कि स्टीविया जो है वो शुगर से बहुत ज़्यादा मीठा होता है, लगभग 150 से 200-250 गुना मीठा होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप इसको नॉर्मल सिर्फ ऐसे ही टेस्ट करेंगे तो क्या ये आपको नॉर्मल मीठे के जैसे लगेगा? नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। तो इसलिए आपने इसको डायरेक्टली जैसे हम शुगर को टेस्ट करते हैं ऐसे कभी भी टेस्ट नहीं करना है। जब भी आप इसको टेस्ट करें या फिर जब भी आप इसको यूज़ करें किसी भी चीज़ में डाइल्यूट कर लें तब इसको टेस्ट करें। जैसे आप पानी के साथ अगर टेस्ट करना चाह रहे हो तो पानी के साथ आप इसको डाल सकते हैं या फिर नींबू पानी ऐसा कुछ बना सकते हैं इससे, और उसके बाद इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको शुगर की तरह नॉर्मली स्पून में लेके टेस्ट करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल टेस्ट नहीं करेगा, ये बिल्कुल अलग ही टेस्ट करेगा क्योंकि इसकी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कभी भी जब आप स्टीविया यूज़ करें तो। सो गाइस, ये थी आज की हमारी रेसिपी राजगिरा की चिक्की। रेसिपी बहुत ही इजी है, तो बनाइए, सबको खिलाइए और हमें ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम मिलेंगे ऐसी ही एक और कमाल की नो शुगर रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ।